उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चोरी की नियत से घर का दरवाजा तोड़कर घुस रहे बदमाशों की पुलिस से सामना हो गया। इस दौरान बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने इस दौरान एक बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके वारदात से कारतूस के खोखे भी बरामद किए, लेकिन फायरिंग की घटना से पुलिस इनकार कर रही है। गृह स्वामी की सजगता से बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस पूछताछ के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना बिस्मा कोतवाली क्षेत्र के जोलाही टोला का है। यहां के निवासी इलियास के घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने देर रात धावा बोल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने इस दौरान घर के लकड़ी का मुख्य दरवाजा तोड़ रहे थे कि इसी दौरान परिवार वालों और स्थानीय लोगों की आंख खुल गई और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को मौके से ही दबोचने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने इस दौरान कई राउंड फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। लेकिन पुलिस ने अन्य थानों की फोर्स के साथ घेराबंदी करते हुए एक बदमाश को कुछ ही दूरी पर दबोच लिया, जबकि अन्य बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौका बर्दाश्त से 315 बोर और 32 बोर के कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। इंस्पेक्टर बिस्मा राजीव सिंह का कहना है कि एक बदमाश को दबोच लिया गया है और रात में ही वह नशे में होने के चलते कुछ बताने की स्थिति में नहीं था, इसलिए अब पूछताछ की जा रही है। पीड़ित स्वामी का कहना है कि आज पुलिस की सजगता के चलते ही वह और उसका परिवार सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज। हमारे वहाँ जो है हम लोग छत के ऊपर रहन और जब उनका हमारे वहाँ अंदर जब आए गए बदमाश तब भतीजा फोन करे से है वो देखे तो की अम्मी देखे नहीं। कितने लोग थे लगभग? अब हम आदमी जो है नीचे रहे, हम छत के ऊपर रहन, लेकिन हम उनका देख ना पाए ना है। जब उधर से यहाँ पुलिस आई है वो जो है रफ्तावत तब जो है हम फायर किए ना उनके ऊपर, तब देखे ना है तब उधर आगे निकल जा चुके रहे, आगे वही कर रहे थे। यानी कि फायरिंग भी हुई है? हाँ, दो फायरिंग की है पुलिस वाले का। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? इलियास।